स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर विद द न्यू लुक। हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज जो है लेक्चर नंबर 7 है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एग्जाम में बहुत कुछ आता है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। ये लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, हम लोग ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ कवर किया है, हाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्स ऑन अ स्टेट ऑफ अ मैटर, और यू कैन से चेंजेस द स्टेट ऑफ अ मैटर। नाउ इन टूडेज लेक्चर देयर इज अ क्वेश्चन दैट कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर विदाउट एनी टेम्परेचर और विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर और रिड्यूसिंग प्रेशर। क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स? अब इसका आंसर है यस। तो आप बोलोगे क्या कर रहे हैं ये सर, क्या बोल रहे हैं, पहले तो इतना सारा सिखाया टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो उल्टा हो जाएगा वगैरह वगैरह सब सीखा। अब क्या नया लेके आया सर? ये नया कुछ नहीं है, ये एक फिनोमेना है स्टूडेंट्स। वो फिनोमेना जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, राइट? तो मेरे साथ वीडियो में आगे चलते हैं। आंसर इज यस। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं हमारे आसपास इन विच वी ऑब्जर्व दैट विदाउट अप्लाइंग टेम्परेचर और विदाउट अप्लाइंग प्रेशर द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, स्पेशली इन द केस ऑफ लिक्विड। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जो हमारे वेट क्लोथ होते हैं वो अपने आप इवनिंग तक ड्राई हो जाते हैं, है कि नहीं? अब आप थोड़ी कपड़ों को कुछ हीट देने गए थे जिससे वो फटाफट फटाफट लिक्विड जो था, वेट जो क्लोथ थे वो ड्राई हो गए, यस और नो? आपने दिया था क्या टेम्परेचर? नहीं। कैसे हुआ? अपने आप। सो ये है एक नेचुरल फिनोमेना, ठीक है? अब वो नेचुरल फिनोमेना में ऐसा क्या होता है, उसका नाम क्या है वो हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले होता कैसे वो देखेंगे। सो इफ वी इन एवरीडे लाइफ इफ वी कीप अ वॉटर अनकवर्ड, आप अनकवर्ड वॉटर रख दो विंडो के पास सनलाइट में, तो इवनिंग तक क्या हो जाएगा, वॉटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको जो बाउल है वो क्या मिलेगा, आपको एम्प्टी मिलेगा, आपके वेट क्लोथ भी हो जाएंगे ड्राई। अब इसमें होता कैसे है कि लिक्विड के केस में स्पेशली जो पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, राइट? हम लोग ने देखा है कि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है। तो लिक्विड के सरफेस पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी, एकदम हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा भी हीट मिला सराउंडिंग से, थोड़ा भी, सो दे विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन देम, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वो फोर्स को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे ही फोर्स ब्रेक होगा तो लिक्विड स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेपर्स। तो ये जो हीट है वो कहां से लेगा, वो लिक्विड सराउंडिंग से लेगा स्टूडेंट्स, एंड इवेपोरेट हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग देखेंगे इन अ लिक्विड सम पार्टिकल एट अ सरफेस, ये सरफेस पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? जैसे जैसे पार्टिकल सरफेस के जाते जाएंगे वैसे बाकी के नीचे के पार्टिकल भी सरफेस पे आते जाएंगे और सब इवेपोरेट धीरे 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 होते जाएंगे, राइट? इसमें आपको कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं देना है या एक्सटर्नल कुछ प्रेशर नहीं देना है टू चेंज द सिचुएशन और टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। सो इट हैज हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे एबल टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन देम एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। यहां पे मैंने डायग्रामेटिकली बताया स्टूडेंट्स, देखो लिक्विड ये रहा, पार्टिकल लिक्विड के घूम रहे हैं, सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, धीरे धीरे थोड़ी भी हीट एनर्जी मिली सराउंडिंग से तो क्या होगा, द गैसेस द लिक्विड पार्टिकल विल स्टार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली भी बताया है स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे हो सर ये फिनोमेना का नाम तो बताओ। चलो अभी ये फिनोमेना को नाम भी देखेंगे, इनके फैक्टर्स भी देखेंगे, इसको डिफाइन भी करेंगे और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी हम लोग देख। स्टूडेंट्स वो वाले फिनोमेना का नाम है इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स ये इवेपोरेशन जो है इट अकर्स नेचुरली, इसमें कोई भी आप या मैं जाके कोई हीट नहीं देंगे या प्रेशर भी नहीं देंगे, फिर भी लिक्विड पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू गैस पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इवेपोरेशन का डेफिनेशन देखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे, बिकॉज दैट फैक्टर्स जो है इट कम्स इन एग्जाम, दे आस्क
द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो याद रखना ये स्टार्ट करने से पहले. अब इवेपरेशन देखते हैं. द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. ऑब्वियस है वही फिनोमेना है लिक्विड से वेपर्स जाने का, जिसे हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं. वेपराइजेशन इवेपरेशन थोड़ा नाम सिमिलर भी लगता होगा आपको. द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसियस और यू कैन से टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर. अब जब हम लोग वहां पे बात कर रहे थे कन्वर्जन, वेपराइजेशन का जो कन्वर्जन था उसमें हम लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे थे. जैसे कि मैंने बोला था आपको देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड टू गेट वेपराइज्ड, और इन अ वेपर फॉर्म के लिए उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल वॉटर का हम लोग ने लिया था, इफ यू गिव 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर देन इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स. बट जो वेपराइजेशन है वो अलग है, इवेपरेशन अलग है. इवेपरेशन में आपको टेम्परेचर नहीं देना है, ये एट एनी टेम्परेचर अकर होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा नहीं. क्यों नहीं पहुंचेगा? बिकॉज देर इज नो सच एक्सटर्नल हीट इज गिवन आउट, राइट. हम लोग कोई हीट नहीं दे रहे थे वो बॉइल होने लगेगा. अगर ऐसा हुआ तो आपके कपड़े नहीं जल जाते, आप सुखाने रखते तो पानी ही जाता है ना, सिर्फ ड्राई हो जाते हैं, कपड़े तो नहीं जलते कभी. तो हमेशा ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही अकर होता है, रिमेंबर दिस. तो आपको यहाँ पे ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो वर्ड है वो याद रखना है, और एट एनी टेम्परेचर वाला जो वर्ड है वो भी याद रखना है. सो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना. जैसे कि अभी सपोज किसी ने सुबह 11 बजे कपड़े सुखाए, किसी ने 1 बजे कपड़े सुखाए, तो कपड़े तो सूखेंगे ना स्टूडेंट्स. सो एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर रहने दो बाहर का, राइट. एंड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई उसको बॉइल करने नहीं गया, कपड़े थोड़ी जलाने जाते हम लोग. बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही जो सरफेस के पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वेपरेशन चालू कर देंगे, वेपराइजेशन चालू कर देंगे बिलो बॉइलिंग पॉइंट की. क्योंकि उसको इतना टेम्परेचर चाहिए ही नहीं ना स्टूडेंट्स, उसको तो थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए सरफेस से निकलने के लिए, है ना. सो थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिला तो वो बाहर आ जाएंगे, और बाकी के जो नीचे के पार्टिकल है उनको चांस मिलेगा सरफेस पे आने का. सो वैसे ही यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखने हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इवेपरेशन. इवेपरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ बताते जाऊंगा, राइट. सो टोटल आपको याद रखने हैं 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर उसके अगेंस्ट, 3 फैक्टर उसके साथ है, 1 फैक्टर उसके अगेंस्ट है. मतलब 3 फैक्टर जो है इवेपरेशन को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और चौथा फैक्टर जो है वो इवेपरेशन को अगेंस्ट है, मतलब इवेपरेशन को वो असिस्ट नहीं करेगा, वो उससे दूर भागेगा. तो देख लेते हैं क्या क्या है. सबसे पहला है सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्टूडेंट साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है टू इवेपरेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है स्टूडेंट्स. आपने 8th क्लास में सीखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज कम होगी दूसरी भी कम होगी. इनवर्स में उल्टा है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी, राइट. तो वैसे शॉर्ट में हम लोग ने सीखा है प्रोपोर्शनलिटी है ये. सो सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इवेपरेशन. अभी सरफेस एरिया का मतलब क्या, अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो इवेपरेशन जल्दी होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहां पे 2 एग्जाम्पल देता हूं कोई, ठीक है. पहला, अगर आपके वेट क्लॉथ है तो अगर आप उसको क्रम्बल्ड करके एक साथ रख दोगे कोने में, या हम लोग एक साथ कोने में सुखाने रख देंगे, तो सूखेगा क्या स्टूडेंट्स? ड्राई होगा, फटाफट नहीं होगा, होगा बट इतना जल्दी नहीं होगा, राइट. बट अगर वही को उसी कपड़ों को अगर हम लोग वेट कपड़ों को अच्छे से स्प्रेड करके सुखाएंगे स्टूडेंट्स, तो इट विल ड्राई अप क्विकली, राइट. एंड दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हम लोग अभी चाय पीने बैठे, तो चाय जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉसर में रखते हैं चाय, टी एंड सॉसर हम लोग बोलते हैं ना वर्ड. सो टी जो है हम लोग सॉसर में लेते हैं, ठीक है, कप में से हम लोग सॉसर में लेंगे तो क्या होगा, इजीली वो ठंडा हो जाएगा. क्यों, कप में क्यों नहीं हुआ, बिकॉज कप का एरिया कम है और जो सॉसर था उसका एरिया क्या है, ज्यादा है, वो स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से. एंड आपका जो भी टी या मिल्क जो भी आप पीते रहोगे अगर वो ज्यादा हॉट है तो वो क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा. तो यहां पे भी आप देखोगे तो इवेपरेशन का फिनोमेना है,
तो ये दो एग्जाम्पल से हम लोग को समझा कि इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस हम लोग का इवेपरेशन जल्दी होगा, फटाफट होगा. सो ये इसका एक हेल्पिंग पॉइंट है, असिस्ट कर रहा है इवेपरेशन को. नेक्स्ट टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. इसका भी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं. टेम्परेचर बढ़ेगा, आउटर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपरेशन फटाफट होगा. अब आप सोचो कि जो आपका एकदम समर सीजन है तो समर सीजन में कपड़े जल्दी से क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, फटाक से सब कुछ चीजें ड्राई हो जाएगी. किधर किधर तो इतना हीट होता है कि एग भी डालोगे तो बॉइल हो जाता है ना स्टूडेंट्स. तो जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि इवेपरेशन भी बढ़ेगा, राइट. तो ये सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड असिस्टिंग फैक्टर है जो इवेपरेशन को असिस्ट कर रहा है. टेम्परेचर बढ़ा, इवेपरेशन भी बढ़ा. नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, विंड स्पीड. विंड स्पीड से क्या होगा, इफ विंड स्पीड इंक्रीजेस इवेपरेशन इंक्रीजेस. अब ये आपको एकदम इजीली समझाता हूं. अगर आपका विंड स्पीड है, अगर आपका जो विंड जो है स्पीड से जा रहा है, पूरा एकदम अच्छे से स्पीड है आपके आसपास, तो क्या होगा, जो इवेपरेशन होगा, एज आई टोल्ड यू द पार्टिकल विल ब्रेक द बॉन्ड एंड इट विल इवेपरेट. तो जो पार्टिकल रहेंगे वो क्या रहेंगे, वाटर पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, जल्दी से फ्लो हो जाएंगे एयर के अंदर अगर विंड स्पीड ज्यादा है, और वो फ्लो होके 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 आगे बढ़ेंगे. तो हम लोग ने एग्जांपल देखा है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कहां ट्रेन या जो भी इंडियन पब्लिक की बात कर रहा हूं, ये कहीं पे भी ट्रेन में जाते हो या हम लोग कार में जाते हैं, तो मम्मी क्या करती है, जो गीला रूमाल वगैरह जो भी रहता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, टाई कर देते हैं ट्रेन की विंडो पे, है ना, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम लोग ये जुगाड़ लगाते हैं. तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि स्पीड जाएगी तो स्पीड, विंड स्पीड से क्या होगा, पार्टिकल्स भी फटाफट फटाफट, वाटर पार्टिकल्स भी क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलता जाएगा और निकलते जाएंगे. तो विंड स्पीड भी असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा इवेपरेशन को बढ़ाने के लिए, राइट. तो ये आपको एग्जांपल दिया मैंने थर्ड. नाउ फोर्थ, अभी ये फोर्थ जो है उसके अगेंस्ट है, ह्यूमिडिटी. अगर आपका एनवायरमेंट ह्यूमिड है, नाउ ह्यूमिड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ह्यूमिड एनवायरमेंट इज नथिंग बट द एनवायरमेंट इन विच द वॉटर पार्टिकल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, स्पेशली इन रेनी सीजन. आपका जो रेनी सीजन होता है उसमें आपका एनवायरमेंट ह्यूमिड हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट. आपने देखा रहेगा हम लोग जब भी क्रिकेट वगैरह तो हम लोग देखते ही आगे, तो क्रिकेट में भी ऐसा बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी पिच में बहुत ज्यादा है, मीन्स वॉटर का लेवल बहुत ज्यादा होता है ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी मीन्स द एनवायरमेंट इन विच ऑलरेडी वॉटर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है. अब ये जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगा, इवेपरेशन के अगेंस्ट है. क्यों, देखो एक जो एयर है उसके अंदर इवेपरेशन होगा, सारे के सारे वेपर्स बन के बैठ जाएंगे एयर के अंदर, हम लोग को पता है वेपर्स बन जाएंगे. अब वो एयर का भी एक कैपेसिटी होगा स्टूडेंट्स, एयर का भी एक कैपेसिटी होगा, वो क्या करेगा, वो सारे पार्टिकल्स को नहीं आने देगा. जितने भी पार्टिकल इवेपरेट होके आए सारे के सारे एयर में नहीं हो जाएंगे मिक्स. अगर आपका एनवायरमेंट ह्यूमिड है मींस ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, स्पेशली इन रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते स्टूडेंट्स. क्यों नहीं सूखते, बिकॉज द रीजन इज दैट ओनली, भले विंड स्पीड हो के कुछ भी हो, थोड़ी देर के लिए सनलाइट भी आया हो तो भी क्या है, लेकिन ऑलरेडी एनवायरमेंट ह्यूमिड है उसमें एक लिमिट रीच हो गई है कि सपोज अभी मेरे पास 10 स्टूडेंट है एक क्लास में बिठाने के लिए और मैं 15-20 भरूंगा तो नहीं पॉसिबल होगा, उनको कंफर्टेबल नहीं होगा. तो वैसे ही ह्यूमिड एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है और मैं क्या कर रहा हूं, बाकी और वाटर पार्टिकल दे रहा हूं उनको, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा. सो स्टूडेंट्स इसी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इवेपरेशन का दुश्मन है. तो इन रेनी सीजन यू विल फाइंड दैट द क्लोथ्स विल नॉट ड्राई अप क्विकली और इजीली, ठीक है. तो आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझा. तो ये चार पॉइंट जो है दे आर नथिंग बट दे आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन. ये चार फैक्टर अफेक्ट करेंगे इवेपरेशन को, ठीक है. उसमें से हम लोग को इजीली याद रखना है, जो तीन है वो उसको हेल्प कर रहे हैं, चौथा वाला उसको हेल्प नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट है. ये सब सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा इवेपरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा इवेपरेशन कम होगा.
सो आई होप आपको इवेपरेशन का फंडा और उसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो आपको दिमाग में रखनी है, उससे ही आप बहुत सारे चीजों के आंसर दे पाएंगे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, रीजंस आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इवेपरेशन की इफेक्ट से ही होगा, लेकिन आपको उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट का नाम है इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारी चीजों को अगर आप टच करोगे तो आपको ठंडा लगने लगता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लिक्विड मटेरियल है, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल हम लोग का चल रहा है, आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हाथ घिस घिस के धो रहे हैं, राइट। सो सैनिटाइजर जैसे ही हम लोग हाथ में लेते हैं तो हमको एकदम ठंडा लगने लगता है, तो ऐसा क्यों? अगर हम उसके बदले एसीटोन ले ले, पेट्रोल ले ले, परफ्यूम ले ले तो भी ठंडा फील होता है, राइट। सो ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये इवेपरेशन का जो टॉपिक है वो समझिए। सो इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपरेशन की वजह से कूलिंग होता है, वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। अब जो तुम्हारे लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट है ऑन द सर्फेस ऑफ एनी मटीरियल, तो लिक्विड पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू इवेपरेट, उनको वेपराइज होना होता है इसके लिए। तो ऑब्वियसली दे विल एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द मैटर, और जो भी रहेगा हीट फ्रॉम द सराउंडिंग वो एब्सॉर्ब करेंगे और क्या बन जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जो सराउंडिंग हीट थी स्टूडेंट्स, जो सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट थी मेरी, वो किसने एब्सॉर्ब कर ली, लिक्विड पार्टिकल ने। तो हीट बचेगी नहीं ना सराउंडिंग में, हीट किसने एब्सॉर्ब कर ली, लिक्विड पार्टिकल लेके गया, तो ऑब्वियसली हीट नहीं है वहां पे, तो आपको तो ठंडा लगेगा ही, आपको कूलिंग होगा ही। सो वही सीखना है, इवेपरेशन जो है पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एब्सॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन इट्स एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपरेशन, उसको वापस एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट होना चाहता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहता है। तो आजू बाजू के सराउंडिंग से हीट ले लेगा तो आजू बाजू के सराउंडिंग में हीट बचेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स, अगर हम एसी चालू रखते हैं तो एसी क्या करता है, रूम की सारी हीट बाहर फेंक देगा, इसका मतलब रूम क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो वैसे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब इसका और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, तो सराउंडिंग विल बिकम कोल्ड। एंड द थर्ड पॉइंट इज, ये हमने डिस्कस कर दिया सेकेंड, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब स्टूडेंट्स, मैंने हम लोग ने जब इवेपरेशन डिफाइन किया था तभी हम लोग ने बोला था इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर एंड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होगा ये। अब ये क्या होगा, ऐसा कौन सा हीट है जो इसको हेल्प करेगा, तो स्टूडेंट्स हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था कि जो लिक्विड पार्टिकल है उसको ब्रेक होना है, उसको गैस बनना है, तो लिक्विड पार्टिकल को क्या तोड़ना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने वाली हीट को हम लोग बोलते थे लेटेंट हीट, हिडन हीट, याद आया, आइस का एग्जांपल लिया था, अगर आइस को टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पर वो लिक्विड गर्म नहीं होगा, वो लिक्विड ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा, आपने जो टेम्परेचर दिया वो कहां गया, वो लेटेंट हीट, वो छुप गया, वो हिडन हीट है। तो यहां पे भी आपको कितना हीट देना पड़ेगा, उसका खाली आपको लिक्विड को आपको क्या गर्म थोड़ी करना है, आप थोड़ी एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हो, आपको क्या करना है, उसको सारी खाली इवेपरेट करना है। इवेपरेट करना है मीन्स आपको बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है, तो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, हीट इक्विवेलेंट टू व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको इतना ही हीट देना पड़ेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा, और वो भी हम नहीं देंगे, वो नेचर से ही उसको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना स्टूडेंट्स, हीट एब्सॉर्ब बाय पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमेशा उतनी ही हीट वो लेगा जिससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ सके, और लिक्विड में तो वैसे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको थोड़ा ही हीट लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, तो उतना ही हीट लेगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो उतना ही हीट लेगा तो इसको बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको इवेपरेशन बोलते हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में तो कंपल्सरी हम लोग को उसको बॉइलिंग करना पड़ता है। सो ये इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग का फंडा है स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। लिक्विड पार्टिकल सराउंड से एनर्जी ले लेता है हीट एनर्जी के फॉर्म में और इवेपरेट हो जाता है, तो आजू बाजू के सराउंडिंग में हीट बचेगी नहीं तो कूलिंग हो जाएगा, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट हम लोग ने देखा था हीट कैसे, कितनी एब्सॉर्ब होगी, कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी,
तो ऑब्वियसली लिक्विड पार्टिकल तो कम ही एनर्जी चाहिए ना उसको इवेपरेट होना है, उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो उसको कम एनर्जी चाहिए। वो कम एनर्जी कितना होगा? जितना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ सके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ सके, वो वाली हीट का नाम क्या दिया था? लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहां पे लिक्विड से गैस हो रहा है। क्लियर? तो हीट उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। नाउ बेस्ड ऑन दिस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग में हमको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हर एक के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन का कहीं ना कहीं रोल है। एज वी ऑल नो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, सो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहां पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई किया हुआ है। सो देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस वी नीड टू आंसर, ऑल आर बेस्ड ऑन इवेपोरेशन, और यू कैन से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग पे बेस्ड हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पोर एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम। सिंपल है, हम लोग के हाथ में ठंडा क्यों लगता है अगर मैंने एसीटोन लिया? एसीटोन मीन्स व्हाट? नेल पॉलिश रिमूवर है ना, उसमें वो रहता है एसीटोन। या तो सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग का अल्कोहल किस में रहता है? सैनिटाइजर में, हाथ घिसते हैं, किल्स 99.99% कीटाणु, राइट? तो अल्कोहल में भी क्या रहेगा आपका? अल्कोहल भी हाथ में डालोगे तो हम लोग को ठंडा लगेगा। पेट्रोल भी ले सकते हो एग्जाम्पल, या परफ्यूम भी ले सकते। इन सब का जो डिग्री ऑफ फीलिंग कोल्ड है इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, बिकॉज सब चारों के चारों लिक्विड क्या है? अलग अलग है, अलग अलग कंपाउंड से बने हैं। बट हाँ, हम लोग को ठंडा फील होगा तो उसका रीजन आपको इवेपोरेशन के फॉर्म में ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? दिस पार्टिकल्स, और यू कैन से परफ्यूम और पेट्रोल और एसीटोन पार्टिकल आर लिक्विड पार्टिकल्स। सो लिक्विड पार्टिकल्स टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और यू कैन से एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। इसके आंसर आपको ही लिखना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इसके आंसर सुन लो। क्या क्या लिखना है? दिस लिक्विड्स हैव लिक्विड पार्टिकल्स विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू इवेपरेट, और यू कैन से टू चेंज इट्स स्टेट्स टू गैशियस स्टेट, और वो इवेपरेशन हो जाएगा। सो एज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, एंड दैट्स वाई वी फील कूल व्हेन वी पोर एसीटोन परफ्यूम, यू कैन से सैनिटाइजर, व्हाटएवर। सो ये आपको आंसर लिखने आना चाहिए, सिंपल है एकदम। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, दैट्स इट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब मैंने मेरे प्रीवियस बैचेस में स्टूडेंट्स को ये पूछा था, एक स्टूडेंट बोलता है सर हम लोग को समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? बिकॉज वी हैव टू लुक कूल, हम लोग को एकदम अच्छा दिखना है इसके लिए। अब उसका कॉन्सेप्ट तो सही था कि कूल दिखना है, बट कूल दिखना नहीं है, कूल फील होता है, समझा स्टूडेंट्स? सो कूल फील करने के लिए हमको ये समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। अब इसका कैसे आंसर लिखोगे? इन समर वी रेस्पायर्स मोर, मतलब हम लोग का रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। द बॉडी मैकेनिज्म विल रेस्पायर मोर, और यू कैन से रेस्पिरेशन अकर्स एट द फास्टर रेट ड्यूरिंग समर। इन अ बॉडी मैकेनिज्म लिखेंगे, ज्यादा हम लोग बायोलॉजी में नहीं घुसेंगे। तो पहला आपको पॉइंट ये लिखना है, सेकेंड पॉइंट ये लिखना है, देयरफॉर आर बॉडी गेट्स मोर स्वेट इन अ समर सीजन, सो द कॉटन क्लोथ्स आर अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड। थर्ड पॉइंट ये लिखना स्टूडेंट्स, कॉटन क्लोथ्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे जो स्वेट रहेगा वो आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे वो, एंड इट विल एक्सपोज दैट लिक्विड पार्टिकल ऑफ अ स्वेट टू सराउंडिंग। तो अभी सराउंडिंग में लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाए, एक्सपोज हो जाएंगे, तो क्या होंगे, हीट एनर्जी ले लेंगे और इवेपरेट हो जाएंगे, और आपका जो स्वेट रहेगा वो स्वेट आपका इवेपरेट हो जाएगा, राइट? और आपको क्या लगेगा, और ऑब्वियसली दो काम एक साथ होंगे, ऑब्वियसली आपका सारा हीट एब्जॉर्ब हो गया तो आपको अंदर क्या लगेगा, थोड़ा कूल लगेगा, कूल फील होगा, राइट? सो आपको इसका आंसर में स्टार्ट में लिखना है, ड्यू टू आर बॉडी मैकेनिज्म इन अ समर आर बॉडी रेस्पायर्स मोर एंड द स्वेट, और यू कैन से द लार्ज अमाउंट ऑफ स्वेट इज जनरेटेड। नाउ द क्लॉथ इज द कॉटन क्लॉथ्स आर नथिंग बट द गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड ऑफ स्वेट पार्टिकल को है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इट विल एब्जॉर्ब द स्वेट पार्टिकल्स एंड इट विल एक्सपोज दैट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टू सराउंडिंग्स, ड्यू टू विच द लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड वेपराइज्ड इटसेल्फ, एंड देयरफॉर
वी फील कूल, द सराउंडिंग विल बिकम कूल एंड वी फील कूल एंड द स्वेट पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिमूव, द लिक्विड स्वेट इज ऑल्सो रिमूव. क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम ईजी है ये भी, सब इवेपोरेशन पे ही है. थर्ड, why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? अब ये evaporation से थोड़ा अलग है, evaporation का opposite होने वाला है. देखो students, अब लोग हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी का bottle रखते, थोड़ी देर आप environment में रख दो तो क्या होगा, आपको आसपास जो है उसके surface पे water droplets मिलेंगे. अब इसका reason ये था कि water droplets या bottle में hole था, ऐसा कुछ था, बॉटल टूट गई थी कहीं से, ऐसा कुछ होता है नहीं. तो ये वॉटर ड्रॉपलेट्स कहां से है, अंदर से तो आ नहीं सकते, अंदर भी पानी है लेकिन कहां से है, तो ये इवेपोरेशन का अपोजिट है. नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल नो जो लिक्विड पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो गया रहेंगे, हमारा सराउंडिंग ह्यूमिड हो गया रहेगा, राइट. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल घूमते हैं, हम लोग को पता है बहुत सारे एयर पार्टिकल्स घूमते हैं. सो वॉट दे विल डू, दे विल डू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. इसमें कंडेंसेशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा. क्या बोलेंगे इसके अंदर हम लोग, आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन वी कीप अ आइस कोल्ड वाटर बॉटल इन एटमॉस्फेयर और इन सराउंड इन, यू कैन से इन एटमॉस्फेयर ही लिखो चलेगा, नो इश्यूज. एंड वो क्या करेगा, इट विल एब्सॉर्ब द गैसियस पार्टिकल सराउंडेड, इट एब्सॉर्ब द एनर्जी. अब वो एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, बट वो कूलिंग के फॉर्म में. तो अगर गैस कूलिंग करेगा तो क्या बनेगा, लिक्विड पार्टिकल, राइट. एंड दैट गैस विल एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द आइस वाटर, आइस कोल्ड वाटर, एंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन अकर्स ड्यू टू विच द गैस पार्टिकल्स विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पार्टिकल एंड ऑन द सरफेस ऑफ इट वी कैन सी द वाटर ड्रॉपलेट. सो ये इवेपोरेशन का उल्टा है. इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल इवेपोरेट हो जाता है, गैसेस बनते हैं, पर यहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर के गैसेस पार्टिकल क्या होंगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पार्टिकल ऑन द इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन, राइट. तो ये आपको पूछ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑन अ हॉट सनी डे. अब कोई कोई लोग क्या करेंगे, उनके जो एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते, गांव में जनरली लोग ऐसे होते हैं, तो व्हाट दे डू ऑन अ सनी डे और अ समर, यू कैन से दे स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ. Why? ऐसे ही मजा आ रहा था, बहुत सारा पानी था, चलो खेलते हैं, ऐसा डाल देते हैं. नहीं, इसमें भी कॉन्सेप्ट इवेपोरेशन का ही है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इन अ हॉट सनी डे और हॉट समर में क्या रहेगा, वहां पे जो रहेगा आपको उसको कूल करना है, रूम को कूल करना है. ऑब्वियसली हम लोग कुछ एफोर्ड नहीं कर सकते एसी वगैरह, तो क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं लिक्विड. अब लिक्विड स्प्रिंकल करने से क्या होगा, द लिक्विड विल एब्सॉर्ब ऑल द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द रूफ, या ऑन द रूफ पे जो भी हीट एनर्जी रहेगी, इट विल एब्सॉर्ब एंड इट विल इवेपोरेट, राइट. सो जो लिक्विड पार्टिकल उसने स्प्रिंकल किया था, इट विल इवेपोरेट एंड इट विल कन्वर्ट इन टू गैसियस पार्टिकल. तो गैस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो सारी के सारी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई. हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई मीन्स क्या हो गया, कूलिंग इफेक्ट. और जो समर में वो लोग ये एप्लीकेशन यूज करते हैं, स्प्रिंकल करना वाटर को, सेफ रहता है, इजी भी मेथड है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आई होप ये स्प्रिंकल वाला समझा, एकदम इजी है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा लिक्विड. फिफ्थ, अगेन इवेपोरेशन, आपको सब में इवेपोरेशन वर्ड डालना है एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, थर्ड में इवेपोरेशन का उल्टा होगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सब में आपको इवेपोरेशन वर्ड डालना ही पड़ेगा. लिक्विड पार्टिकल विल गेट्स इवेपोरेट या इवेपोरेटेड या वेपराइजेशन होगा, वैसे लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाई वाटर कैप्ट इन अ अर्दन पॉट बिकम्स कूल. अभी आप बोलोगे सर इतना इंग्लिश नहीं आता, अर्दन पॉट क्या होता है, अर्दन पॉट इज सिंपल मटका, घर पे जो मटका रहता ना वो. तो अगर हम लोग देखेंगे अभी समर सीजन है तो मटके का पानी एकदम ठंडा लगता है हम लोग को, ठीक है. तो ठंडा क्यों होता है वो, हम लोग थोड़ी बर्फ डालते हैं, यस और नो, या हम लोग उसको मटके को फ्रिज में डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं है. सो व्हाई इट हैपेंस, सो सिंपल है, आपका जो अर्दन पॉट रहेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, इट हैज अ पोर्स, हम लोग देखेंगे तो उसके छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, वो जो मिट्टी से बना रहता है वो पोरस रहती है. सो द अर्दन पॉट हैज अ स्मॉल स्मॉल पोर्स आउटसाइड द सर्फेस ऑफ इट. सो द लिक्विड फ्रॉम इनसाइड इट विल इवेपोरेट,
बाय टेकिंग द एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो पोर्स में से हीट एनर्जी वो ले लेगा एंड क्या बन जाएगा, थोड़े थोड़े जो लिक्विड रहेगा सरफेस के ऊपर वो क्या बन जाएंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे. इवेपोरेशन कॉजेस व्हाट, कूलिंग. कूलिंग कॉज होगा तो बाकी का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, आसपास की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो अर्दन पॉट में रखा हुआ पानी थोड़ा सा कम तो होगा इवेपोरेशन की वजह से, बट बाकी के पानी को वो ठंडा करके जाएगा. सो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, अर्दन पॉट, द स्ट्रक्चर ऑफ अर्दन पॉट इज लाइक दैट, इट हैज अ पोर्स ऑन द सर्फेस, स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्दन पॉट इज प्रेजेंट. सो फ्रॉम दैट पोर्स द लिक्विड पार्टिकल गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द लिक्विड पार्टिकल विल इवेपोरेट बाय एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. सो द रिमेनिंग वॉटर इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल. सो ये आप आंसर लिखोगे पांचों का, एकदम इजी है. चार क्वेश्चन इवेपोरेशन पे थे, थर्ड वाला जो था इट इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, बट अगेन वो कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो वी हैव टेकन दैट इनटू दिस. सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे इवेपोरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन से. ऑब्वियस है इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए गिव रीजन भी पूछ सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है. अगर पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब.